हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकी की दुनिया। अभी आपको कुकी से मिलवाती हूँ। कुकी से हाय। कुकी इज ऑलवेज रेडी टू से हाय। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी, जो है बच्चों की टीथिंग। ये हर एक मम्मी पापा का बहुत मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो नए मम्मी पापा हो या फिर उनका सेकेंड बेबी हो, जिनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो मैंने जो भी चीज कुकी के टाइम पे देखा, समझा और जो भी मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि ये मुझे करना चाहिए, वो मैं सारी चीजें आज आपके संग डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दांत आने की सही एज क्या है। तो जो दांत आने की ऐसे पढ़ा जाए या हमने जो सुना है, वो सही एज है 6 मंथ। बट कई केसेस में बच्चों को 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के बीच में भी दांत आता है। कई केसेस ऐसे भी हैं कि बच्चे को 3 मंथ से ही सिम्टम शुरू हो जाते हैं दांत आने के। तो अगर आपके बेबी को 10 महीने के बाद भी कोई सिम्टम नहीं है दांत आने का, तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। हो सकता है किसी कमी के कारण शायद दांत आने में देरी हो रही हो। तो ये है बिल्कुल सही उम्र 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ बच्चे को दांत कभी भी आ सकता है, बट रेयर केसेस में ये 3 मंथ से भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा सिम्टम है मसूड़ों में सूजन आना। चूंकि दांत निकल रहा है और वो एक प्रोसेस है जिसमें वो मसूड़ों से होकर ही निकलेगा, तो वो मसूड़े पूरे सूज जाते हैं, सूजे हुए रहते हैं, आपको फूले हुए सारे मसूड़े नजर आएंगे। आपको इसको चेक करने के लिए आप उंगलियों से भी चेक कर सकती हैं ऐसे कि उनका मसूड़ा फूला हुआ है, सूजा हुआ है, बशर्ते आपकी उंगली बहुत ज्यादा साफ सुथरी हो। ये है दूसरा सिम्टम। इस समय बच्चा हर चीज, जो भी चीज होता है, सब कुछ चबाना चाहता है, हर चीज को मुंह में लेना चाहता है, हर चीज उसे मुंह में चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा उस समय कि आपके बच्चे के अगल बगल, इर्द गिर्द जो भी चीजें हो, वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे उसके खिलौने हो, कुछ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा सिम्टम है कि आपके बच्चे के मुंह में मसूड़ों से छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सरसों के दाने के बराबर सा सफेद दांत दिखता नजर आएगा। इसे भी चेक करने के लिए आप अपनी साफ सुथरी उंगली का यूज कर सकती हैं। वो वहां पे दरदरापन आपको महसूस होगा। बस ये है कि भाई उंगली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और हाँ, ऐसा नहीं हो कि आपने उंगली सैनिटाइज कर ली और बच्चे के मुंह में हाथ डाल दिया। नहीं, सैनिटाइजर यूज नहीं करना है आपको, साबुन से बहुत अच्छे से अपनी उंगली को साफ करना है और तब अपने बच्चे के मुंह में उस उंगली को डालना है। अगला जो सिम्टम है वो है नींद नहीं पूरी होना, रात में नहीं सोना, बार बार जगना, बार बार रोना। चूंकि बच्चे के दांत में दर्द है, तो जो बच्चा आपका सो रहा था वो अब अचानक से पूरी पूरी रात आपको जगा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगला जो लक्षण है वो है लार बहुत ज्यादा आना, लार गिराना। क्योंकि बच्चे को दांत आ रहा है तो वो सबसबाहट, जो हमारी भाषा में कहते हैं, वो दांत का हल्का हल्का वो अंदर से सबसबाना, उसके चलते उसके मुंह में बहुत ज्यादा लार बन रहा है और लार वो गिरा भी रहा है। आपने देखा होगा कई बच्चों के इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे कुछ दाने रैशेज हो जाते हैं उन लार की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके नन्हे फरिश्ते को दांत आ रहा है। और जो अगला लक्षण है वो है उनके कान खींचना। वो इसके बाद आपका बच्चा, आपने देखा होगा, अपने कान बहुत खींचता है, कान में उंगली डालना, कान में यूं यूं करना। उसे वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो हमारे मुंह का पार्ट है वो कान से जुड़ा हुआ है। तो जब उसे दर्द यहां हो रहा है तो हल्का सा कुछ उसके कान में भी उसको महसूस हो रहा है, जिसके कारण वो बार बार अपना कान टच करता है, खींचता है। ये जो कुछ लक्षण हैं, ये हैं आपके बच्चे के दांत आने के लक्षण। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कई बच्चे उल्टियां करते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे ने पॉटी स्टार्ट कर दी, कुछ बच्चों को बहुत फीवर भी आता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो
नॉर्मली हर बच्चे में नहीं, कुछ एक बच्चे में होता है कि बच्चे को पॉटी हो रही है, बच्चे को वॉमिट हो रहा है, बच्चे को फीवर हो रहा है, ये सारे भी लक्षण दांत आने के हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपनी कुकी के लिए इसमें कुछ कुछ होम रेमेडीज जो मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ इन लोगों ने मुझे बताया था, जो मैंने किया, जो मुझे फायदा हुआ, वो मैं आपके संग शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज, मैंने अपने बच्चे को, मैंने अपनी कुकी को किल्केरिया नाम की एक होम्योपैथिक दवाई दी थी, जो कि मैंने इसे तीसरे चौथे महीने से देना शुरू कर दिया था। उसे हुआ ये कि इससे दांत वो बिल्कुल चौथे पांचवें छठे महीने से नहीं, इसे थोड़ा लेट से दांत आया। तो जब लेट से दांत आया तो बच्चे के का सहने का भी जो पावर है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और जो भी बच्चे को दांत आते समय जो परेशानी होती है वो कम होती है। तो मैंने ये अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर किल्केरिया दिया था इसे। आप भी चाहें तो इसे अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं और दे सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया दवाई है, ये बहुत ही अच्छा दवाई है दांत आने के लिए, जब बच्चे का टीथिंग टाइम होता है उस टाइम के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे का मसूड़ा सूजा होता है, तो आप अपने बच्चे को ठंडे पानी में कोई तौलिया डुबो के निचोड़ के उसे बाहर से सेक सकती हैं, इससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अपने बहुत साफ सुथरे हाथ को अपने बच्चे के मसूड़े में डाल के हल्का हल्का दबा सकती हैं, उसे मसाज दे सकती हैं। बट ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का कोई जेल, कोई लिक्विड या कुछ भी ऐसी दवाई देने की जरूरत नहीं है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो बच्चे को होने दीजिए और वो जिस तरीके से दांत आना है बिल्कुल आने दीजिए। ये हो गया कि अपने साफ हाथ, बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताया है हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो हाथ बिल्कुल साफ रखिएगा। फिर है, चूंकि मेरी कुकी को एक साल के बाद दांत आना शुरू हुआ था, तो ये खाने लगी थी, जो भी मैं इसे दे रही थी, जो भी ये खाना खाती थी वो खाने लगी थी। तो मेरी सासू माँ जो घर में रोटियां बनती थी, नॉर्मल जो रोटियां बन रही हैं, उसमें क्या करती थी, थोड़े से लोई में बहुत थोड़ा नमक और अजवाइन, वो डाल के अजवाइन का पाउडर वो डाल के उसको एक बार और गूंद दिया करती थी, और उसे पतला ऐसे लंबा सा स्टिक बना के, या तो हम शुद्ध घी में तल के उसे निकाल लेते थे बिल्कुल करारा करके, या फिर रोटियां बना, जैसे रोटियां सिक रही हैं उसके बगल बगल में रख के उसे हम सेंकते गए, तो ये हम बनाया करते थे। और वो उसे चबाते रहती थी, जब वो थोड़ा नरम हो जाता था फिर उसे फेंकते थे, फिर दूसरी चीज देते थे। तो ये हो गई एक चीज जो आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बट इसे देने समय में आपका बच्चा अगर कम उम्र का है, मतलब 6 मंथ 7 मंथ का है, तो आप ध्यान रखेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चबाते चबाते उसे नर्म कर ले और तोड़ के कोई टुकड़ा उसके गले में अटक जाए। दूसरी चीज मैं क्या करती थी, मैं गाजर, जो गाजर के टुकड़े फ्रिज से निकाल के वो उसे दिया करती थी, उससे उसको एक ठंडक, और वो चबाना उसे जो दांत को चाहिए ना, जो उस समय उसको चाहिए होता है वो उसे मिलता था। तो आप ये भी ट्राई कर सकती हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप गाजर का जो कड़ा वाला पार्ट होता है वो दीजिए उसे, उसको नर्म वाला पार्ट मत दीजिए, क्योंकि नर्म वाला पार्ट देने से होगा ये कि कहीं वो अगर उसे अपने मसूड़ों से चबा लेता है और गले में अटक जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने से भी बहुत आराम सुकून मिलता है, तो इस टाइम पे जो माएं ब्रेस्ट फीड देती हैं वो अपने बच्चे को ज्यादा ब्रेस्ट फीड दें ताकि उन्हें आराम मिले। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, क्योंकि बच्चों का मसूड़ा बहुत कड़ा हो गया है और वो बार बार दांत काटते हैं, दांत तो नहीं मतलब बार बार चबाते हैं, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बट स्टिल आप ये भी कीजिए, क्योंकि बच्चे को बहुत सुकून मिलेगा उससे। मेरी कुकी तो भाई बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पर ही रहती थी। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो मैंने मेरे बच्चे के लिए उसके टीथिंग टाइम पे किया था, जो आप भी कर सकती हैं। ये बहुत ही मतलब फायदेमंद है आपके लिए। और बस अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह बच्चे, मेरे बच्चे को कैसे मैंने बड़ा किया, जो छोटे छोटे टिप्स मैंने ट्राई किए हैं, जो मेरे खुद के ट्राई किए हुए हैं, वो मैं आपके संग शेयर करूंगी। तब तक ओके, कुकी से मिलना है आपको, कुकी।
से बाय, से बाय टू एवरीवन, फ्लाइंग किस। ओहो, सो आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज कुकी की दुनिया। बाय बाय।